नारायण पात्रा ने जनजाति संग्रहालय, बोटिंग, बच्चों के लिए गेम जोन और शौचालय का उद्घाटन किया। मंत्री ने यहाँ के जनजाति जीवन, देशज ज्ञान, परंपरा और सौंदर्य बोध पर आधारित इस खास संग्रहालय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दूसरे जिलों को यहाँ से सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि ओझर में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वच्छाग्रह झरना ओडिशा के सबसे करामाती झरनों में से एक है। यहाँ 100 फीट ऊंचा सुंदर झरना एक लोकप्रिय शिविर और ट्रैकिंग स्थल है। ये झरना एक शांतिपूर्ण और शांत पृष्ठभूमि के बीच स्थित है, जो सभी आगंतुकों के लिए एक नया एहसास है। आसपास के गहरे जंगल झरने में और अधिक सुंदरता जोड़ते हैं। यहाँ पे हम आए थे सानघाघरा ये घूमने के लिए। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ओडिशा में। ये एक अच्छा वाटरफॉल है। यहाँ पर यहाँ का नेचुरल सीनरी बहुत अच्छा है। केंजर में ये एक बहुत अच्छा प्लेस है, जो कि केंजर का नाम इसके लिए फेमस होता है। और यहाँ पे अभी नया गेम्स के लिए कुछ हुआ है, और ट्राइबल म्यूजियम एक हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। केंजर का ट्राइबल लोगों का वो एक परिचय है कि ये ट्राइबल बेल्ट में आता है, उन लोगों का नाम के लिए ये अच्छा है। देखिए, केंजर का सानघाघरा टूरिज्म स्पॉट एक प्रमुख टूरिज्म स्पॉट है। यहाँ पे डेली दूर दूर से हजार हजार लोग आते हैं देखने के लिए। और इसके डेवलपमेंट के लिए जिला प्रशासन तरफ से आज वाटर स्पोर्ट्स, ट्राइबल म्यूजियम, टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट जोन उद्घाटन हुआ है। और इसको सौंदर्यकरण के लिए फिर हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रोपवे का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। उनका एक सबसे बड़ा अच्छा स्पॉट है, यहाँ पर वाटरफॉल है। 4 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। पहले वाटर फैसिलिटी फॉर बोटिंग, बट नाउ वी हैव डेवलप्ड वन चेक डैम बाय व्हिच इन एवरी सीजन देयर विल वाटर एंड द बोटिंग विल रिप्लाई। इट विल बी कंप्लीट सीजनल, वेल फॉर ऑल सीजन इट विल रिप्लाई, बोट्स विल रिप्लाई। एंड देयर आफ्टर वी हैव ओपन इनॉग्रेटेड आवर ऑनर मिनिस्टर the tribal museum and one bath complex, toilet complex for facility of tourists. One bath complex is inaugurated, and for play zone we have inaugurated one play zone, kids zone, which is one of